हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखा था वो रेक्टिफायर का देखा था। इनिशियली मेरा प्लान ये था कि पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सबको मैं एक ही में बनाऊँ, लेकिन फिर वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग लंबा वीडियो देखना इंजॉय नहीं करते हो, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। जैसे वेब सीरीज होती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसमें अलग अलग एपिसोड्स आते हैं, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर है ये, ठीक है। सो इस जो टॉपिक का ये जो एपिसोड है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जेनर डायोड पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स होंगे, 2 प्रॉब्लम जेनर डायोड का होगा और 1 प्रॉब्लम लोड लाइन का होगा, जो भी आप जो आपको नीट में पूछ सकता है। तो पहला प्रॉब्लम जो जेनर डायोड का है वो नीट 2005 से लिया गया है। जेनर डायोड इज यूज फॉर ए एम्पलीफिकेशन, बी रेक्टिफिकेशन, सी स्टेबिलाइजेशन एंड डी प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशंस ऑफ एन ऑसिलेटर। देखो जो जेनर डायोड होता है, इसका ऐसे आंसर सी होगा, ठीक है। जो जेनर डायोड होता है वो बेसिकली वोल्टेज स्टेबिलिटी देता है, आउटपुट में एक स्टेबल वोल्टेज देता है। देखो ये बेसिकली जेनर डायोड का एक सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो स्टेबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट डीसी आउटपुट लिखा गया है। सो इसका की कंसेप्ट क्या है, पहले तो जेनर डायोड क्या होता है, हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ये एकदम ध्यान रखना। अब हेवली डोप्ड हो जाएगा, ज़्यादा डोपिंग होता है तो डिप्लीशन रीजन कितना होता है, थिन हो जाता है। तो ध्यान रखना कि यदि ज़्यादा डोपिंग मीन्स कि थिन डिप्लीशन रीजन, फिर इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि जेनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस्ड वे में काम नहीं करा रहे हैं। जब भी हमको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहिए होगा तो हमको इसको रिवर्स बायस कंडीशन में काम कराना होगा, और वो बेसिकली ब्रेकडाउन जोन में काम कराना होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सो इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है। यदि इसको फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लगाएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। इसको कैसे दिखाते हैं, देखो एक ऐसा डायोड बना दोगे और ना ये एक ऐसे और ऐसे बना दोगे, ठीक है, ध्यान रखना। सो इट हैज़ अ लो ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखो इसमें ये चूंकि ये हाईली डोप्ड होता है, हेवली डोप्ड होता है, तो इसमें ना ब्रेकडाउन वोल्टेज का लो होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज लो है। तो आपको यदि डायोड का जो कर्व यदि ध्यान हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। सो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में बहुत देर के बाद ब्रेकडाउन आता है, और जो जेनर डायोड में ना तुरंत ब्रेकडाउन जोन आ जाता है। सो तुरंत ब्रेकडाउन जोन हुआ मीन्स कि थोड़ा सा भी रिवर्स बायस वोल्टेज दिए, ये अपना ब्रेकडाउन में चला गया। अब ब्रेकडाउन में तो आप देख रहे हो कि ये आपको क्या है, करेंट का है, और ये आपको बेसिकली वोल्टेज का है। सो वोल्टेज में अंतर नहीं आ रहा है, बस करेंट बढ़ता जा रहा है। सो कितना भी करेंट बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा करेंट भी देगा, तब भी वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा। सो इट कैन ईजली रीसेज इन द ब्रेकडाउन रीजन ड्यू टू लो ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड देन सप्लाई लार्ज करेंट विद वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज लीडिंग टू कॉन्स्टेंट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। सो यदि फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो ये रिवर्स बायस है, आपको जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन साइड से लगाया गया है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो पी साइड से लगाया गया है, और इस रिवर्स बायस के कारण जेनर डायोड तुरंत आपको ब्रेकडाउन जोन में जाता है, और अपने अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो कि लोड रेसिस्टेंस है, आपको एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है। तो कैसे काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, और हम लोग ये देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, ए जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो, द करेंट थ्रू द डायोड इज। सो 20 वोल्ट का आपको ये एक सप्लाई दिया गया, 250 ओम का एक रेसिस्टेंस है, और एक जेनर डायोड लगाया गया है, एक लोड रेसिस्टेंस 1 किलो ओम का है। तो आपसे पूछ रहा है कि करंट इस डायोड से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स जेनर डायोड से कितना फ्लो हो रहा है। सो यदि इसमें टोटल करंट आई जा रहा हो, और इसमें करंट को आप यदि आई जेड बोल रहे हो, तो इसमें करंट आई वन बोल रहे हो, तो आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वन। अब देखो कि ये 20
20 वोल्ट बड़ा वोल्टेज है, सो क्लियरली, और ये 15 वोल्ट इसका है, 15 वोल्ट का है कि मीन्स कि रिवर्स बायस कंडीशन में ये ना आपको ब्रेक डाउन होता है और 15 वोल्ट ये सप्लाई करता है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि 15 वोल्ट पर ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, 15 वोल्ट पर ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। सो ये 15 वोल्ट से ज़्यादा ये वोल्टेज नहीं अपने क्रॉस रखेगा, चाहे करंट कितना भी ये इससे फ्लो कर जाए। सो इसका मतलब हो गया कि जो लोड रेसिस्टेंस है इसके थ्रू 15 वोल्ट है, ठीक है, बिकॉज जो जेनर डायोड के क्रॉस ही ये लोड रेसिस्टेंस है। सो I1 आप इजिली निकाल दोगे, I1 हो जाएगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस दैट इज 1 किलो ओम, क्लियर है। सो ये हो गया 15 मिली एम्पियर। सो I1 का वैल्यू 15 मिली एम्पियर है। अब हम यदि I का वैल्यू निकालेंगे, सो I में क्या है कि आप देखो 15 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। सो I हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 250 ओम। सो आप इसको भी मिली एम्पियर में आप निकाल लो, सो 5000 डिवाइडेड बाय 250 मिली एम्पियर, ऊपर में मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, और मिली एम्प में चेंज हो गया। सो ये हो गया आपको 20, डेट इज 20 मिली एम्पियर। सो 20 मिली एम्पियर इससे करंट गया होगा और इसमें आपको 15 मिली एम्पियर करंट चला गया, तो जेनर डायोड वाले में कितना गया, 5 मिली एम्पियर। देखो जेनर डायोड से सवाल पूछेगा तो यही दो सवाल पूछेगा, इसके अलावा कोई सवाल किसी भी हालत में नहीं पूछेगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 है, कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन का। इसे कभी कोई सवाल पूछ सकता है इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, हालांकि इसको पीएन जंक्शन डायोड में इंक्लूड करना था। ए जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट सोर्स एंड 1 किलो ओम रेसिस्टर एज शोन इन द फिगर। द स्लोप ऑफ लोड लाइन इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड इज। सो जिसको इसका आंसर बस समझना है किस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका मेथड होता है आप सीधे लिख लो स्लोप ऑफ लोड लाइन दैट इज -1/R, ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये हो जाएगा -1/10^3। ठीक है, ये आपको हो गया स्लोप, ये आप निकालने का मेथड हो गया। अब आप इसको समझो कि कैसे होता है। सो बेसिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, आपको मालूम है, ठीक है, डायोड एग्जैक्टली किस पॉइंट पर काम कर रहा है ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर डायोड एग्जैक्टली किस पॉइंट पर काम कर रहा है उसको हम समझते हैं। और इस तरफ आपको मालूम है कि आई होता है, इस तरफ वी होता है। सो ये वी क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक है, और आई क्या है, करेंट अक्रॉस डायोड। अब इसका यदि कर्व लिखोगे आप, इक्वेशन लिखोगे, तो क्या होगा, 10 वोल्ट को आप ई से डिनोट कर दो, तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड को मैं वीडी बोला, प्लस आई इंटू आर, आर का वैल्यू यही आ गया, ठीक है, 10 किलो ओम। पहले मैं फॉर्मूला आई और आर के टर्म में निकाल देता हूँ। अब आपको निकालना होगा कि ये स्लोप निकालना है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको निकालना होगा कि इस पॉइंट पर क्या टच कर रहा है, तो ये पॉइंट को निकालने के लिए आपको वी का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा। सो वेन वी डी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा ई बाई आर। सो ये पॉइंट आपको निकल गया ई बाई आर 0, E/R, क्लियर है। वैसे ही यदि ये पॉइंट आपको निकालना है तो क्या E को जीरो करना पड़ेगा, सॉरी ये किसको जीरो करना पड़ेगा, I को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जैसे कि Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, वैसे ही। सो I को जीरो कर दोगे तो VD किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल। सो ये पॉइंट हो गया E। अब ये लाइन को आप ड्रॉ कर दो, और ये जिस पॉइंट पर काटा ना डायोड, उसी पॉइंट पर काम कर रहा है, वही करंट और वोल्टेज पर डायोड काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोड लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लोड लाइन। तो इसका स्लोप यही होगा, एंगल, ये एंगल यदि आप थीटा लोगे तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और क्लियरली टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 180 माइनस अल्फा डेट इज माइनस टैन अल्फा, और टैन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई आर बाई ई डेट इज -1/R, आ गया ना। सो बेसिकली ये आपको पूछ सकता है, ये नीट में भी पूछ सकता है, जेई मेंस के भी रैंक का है ये कंसेप्ट।
सो आई थिंक आई एम श्योर आपको ये दोनों प्रॉब्लम, इनफैक्ट तीनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। अब हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे वो बेसिकली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का देखेंगे और उसका सेमीकंडक्टर बेसिस का देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।